नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं दाल लौकी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये चने की दाल को हमने 2-3 घंटे पहले फुला लिया था और इसको 2-3 पानी से धो करके हमने रख लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा जीरा, 1 प्याज को कट कर लिया है, 3 टमाटर को कट करे हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, आधी लौकी को हमने छील करके और इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है और तेल। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। अब हम कुकर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे लौकी। इसको हमने धो लिया है लौकी को, और दाल डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी, और अब हम डाल देंगे इसमें पानी। तो हमने 2 गिलास के करीब पानी डाला है इसमें, कि हमने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। आप लोग भी ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ दाल लौकी, तो आज मैं आपको वो बताऊंगी। और इसमें हम लगा दूंगी ढक्कन। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कुकर रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और 3-4 सीटी तक हम इसे पकाएंगे। 3 सीटी दे दिया है, गैस को हमने बंद कर दिया है और हम कुकर को रख देंगे ठंडा होने के लिए। गैस पे पैन चढ़ा देंगे और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और इसमें तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देने हैं लहसुन। लहसुन मैं टाइम पे आपको नहीं दिखा पाई थी सामग्री में। डाल देंगे जीरा, प्याज डाल देंगे। प्याज हमारी इस तरीके से हो गई है, हमें ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इतना ही रखना है। अब डाल देंगे टमाटर, अब डाल देंगे नमक। अब हम गैस को थोड़ा सा मध्यम कर देंगे और इसे इस तरीके से ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। तो ये देखिए, टमाटर भी बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी पक गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम ठंडा होने के लिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं और थोड़ी देर इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और हमने वही सेम कढ़ाई ली है, दूसरी कढ़ाई नहीं ली है। थोड़ा सा इसको गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तेल और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो गैस को मंद कर देना है और इसमें डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीस करके रखा है। मसाला पक चुका है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे दाल और लौकी। ये पक गई थी 3 सीटी में, तो मैंने इसको निकाल लिया था एक बर्तन में जब हमारा कुकर ठंडा हो गया था। तो उसके बाद अब हम इसे चला लेंगे इस तरीके से और गैस को तेज कर देंगे। अब हम इसे ढक करके रख देंगे और इसे पकने देंगे। अब हम खोल करके इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसको पकते हुए 5-7 मिनट हो गए थे, तो सब्जी हमारी पक चुकी है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं इसमें, और लाल मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। और हमने तीखी लाल मिर्ची डाली थी तो इस पर हमने दूसरी मिर्ची नहीं डाली है, और हरी मिर्ची भी मैंने नहीं डाली है इसमें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। अब हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद, और इसे इस तरीके से थोड़ा सा मिला लेंगे। और चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी दाल लौकी की सब्जी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।